हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रविंद्र मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। पिछले वीडियो में टर्की देश के बारे में जानकारी दी थी। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए टर्की की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में जानकारी देंगे। टर्की की प्राकृतिक वनस्पति। जलवायु एवं धरातल की विषमता प्राकृतिक वनस्पति में भी विषमता ला देती है। इस आनातोलिया के पठार पर मिलने वाली प्राकृतिक वनस्पति घास है। नदियों की घाटियों में कुछ वृक्ष उग आते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु वाली समुद्र तटीय पेटी में शीतोष्ण शुष्क सदाबहार वन मिलते हैं, जिनमें ओक, साइप्रस, सीडर, चेस्टनट प्रमुख हैं। कम वर्षा वाले भागों में झाड़ियाँ वाले वन तथा वृक्ष उगते हैं। पशुपालन। टर्की के सबसे अधिक भाग पर मध्यवर्ती पठार फैला हुआ है और इस पठार पर घास प्राकृतिक वनस्पति के रूप में मिलती है। इस विस्तृत स्टेपी पर घुमक्कड़ जनसंख्या अपना जीवन निर्वाह करती है। ग्रीष्म ऋतु में ये खानाबदोश अपने पशुओं को लेकर इन पठारी ढालों पर चले जाते हैं और शीत ऋतु के आने पर मैदान अथवा नदियों की वादियों में उतर आते हैं। पशुओं से दूध, मांस तथा चमड़ा व ऊन प्राप्त किया जाता है। मत्स्य उत्पादन। टर्की की तटरेखा लगभग 7126 किलोमीटर लंबी तथा देश के तीन ओर से सागर से घिरा होने के कारण मत्स्य पकड़ने का कार्य विकसित हो गया है। पश्चिमी तटीय भाग में अनेक प्राकृतिक खाड़ियां हैं। यहां पर अनेक प्राकृतिक बंदरगाह भी स्थित हैं। यहां पर पकड़ी जाने वाली मुख्य मछली सर्डाइन तथा डॉल्फिन है। टर्की एक कृषि प्रधान देश है। कृषि करना प्राचीन काल से चला आ रहा है। आज भी देश की लगभग 45% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। कृषि का आधुनिकीकरण प्रारंभ हो गया है। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में गेहूं की कृषि मशीनों द्वारा की जाती है। कृषि में अधिकांशतः उदर पूर्ति दृष्टिकोण से खाद्य फसलें ही अधिक उत्पन्न की जाती है। व्यापारिक फसल विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के दृष्टिकोण से पैदा की जाती है। टर्की की मुख्य फसलें निम्न हैं। गेहूं, गेहूं यहाँ की समस्त कृषि योग्य भूमि के लगभग 35% भाग पर उत्पन्न किया जाता है। टर्की को गेहूं का मूल स्थान मानते हैं। गेहूं पश्चिमी टर्की, मध्यवर्ती पठार का स्टेपी प्रदेश तथा उत्तरी एजियन प्रदेश में अधिक उत्पन्न किया जाता है। इस भाग में उत्तम प्रकार का कठोर गेहूं उत्पन्न किया जाता है। जौ। खाने में चारे के अलावा यह शराब बनाने के लिए भी काम आता है। यह टर्की की कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 18% भाग पर बोया जाता है।
जो उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र मध्यवर्ती पठार, उत्तरी एजियन के तटीय मैदान है। मकई महत्वपूर्ण फसलों में से एक है, इसकी खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। राई का उत्पादन आंतरिक मांग तथा निर्यात के लिए किया जाता है। जई, टर्की में जई का उत्पादन मध्यवर्ती पठार, उत्तरी अजियन तथा उत्तरी पश्चिमी अजियन प्रदेशों में किया जाता है। चावल, अधिक वर्षा या सिंचाई वाले भागों में तथा डेल्टाई प्रदेशों में चावल की कृषि की जाती है। दक्षिणी तट तथा पश्चिमी तटीय मैदान एवं नदियों की घाटियाँ चावल की कृषि के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। ज्वार बाजरा की कृषि मनुष्य के भोजन तथा पशुओं के चारे के लिए की जाती है। ज्वार बाजरा काले सागर के गर्म प्रदेश या तटीय प्रदेशों के सिंचाई वाले प्रदेशों में उत्पन्न किया जाता है। व्यापारिक फसलें, टर्की में व्यापारिक फसलों का अत्यधिक विकास हुआ है। यहाँ व्यापारिक फसलों का उत्पादन मुख्यतः विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। रसदार फलों की कृषि यहाँ की व्यापारिक कृषि की एक प्रमुख सफलता है, जो भूमध्य सागरीय जलवायु की एक अनुपम भेंट है। तंबाकू, व्यापारिक फसलों में तंबाकू सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ की तंबाकू की प्रमुख विशेषता उत्तम रंग तथा तेज सुगंध है। कपास उत्पादन करने वाले देशों में टर्की, भारत तथा पाकिस्तान के बाद एशिया का प्रमुख देश है। मूंगफली का उत्पादन टर्की में प्रमुख तिलन पदार्थों के साथ में किया जाता है। मूंगफली मध्यवर्ती पठारी प्रदेश पर उत्पन्न की जाती है। रसदार फल, फलों की खेती में भूमध्य सागरीय प्रदेश सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। रोमन लोग टर्की को विश्व में फलों का स्वर्ग कहते हैं। अंगूर का उत्पादन इजमिर तथा मनीषा में बहुतायत से होता है। यहाँ पैदा होने वाला सुल्ताना अंगूर से शराब बनाई जाती है तथा मुनक्का बनाया जाता है। चाय की कृषि टर्की में सन 1933 से प्रारंभ हुई। चाय की कृषि काला सागर के तट के किनारे किनारे की जाती है। चाय के उत्पादन में वृद्धि हुई है और अब टर्की चाय का निर्यात भी करने लगा है। आज इतना ही, अगले वीडियो में टर्की के खनिज पदार्थों के बारे में जानकारी देंगे।